दोस्तों एवरबी कंपनी के बारे में शायद आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली एवरबी मोटर्स पुणे की कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है और इनकी खुद की ऑफिशियल वेबसाइट भी आप जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। इन्होंने गाड़ी बनाई थी EF1 इलेक्ट्रिक स्कूटर, ये एक मैक्सी स्कूटर है और इसको शोकेस किया गया था ऑटो एक्सपो 2020। और 2020 का ऑटो एक्सपो मैं सबसे बोल सकता हूँ कि हाँ सबसे इंटरेस्टिंग ऑटो एक्सपो था, क्योंकि उस समय जितनी भी स्टार्टअप कंपनियां थी इंडिया में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रही थी उन्होंने अपनी गाड़ी को शोकेस किया था, बट उसमें से मैक्सिमम गाड़ियां ड्रॉप आउट हो चुकी है लॉन्चिंग होने से। और सबसे बड़ा कारण था कोविड। कोविड के चक्कर में बहुत सारी कंपनियों ने अपनी गाड़ियों को बनाना बंद कर दिया या R&D करना बंद कर दिया, क्योंकि फंडिंग का इशू था। और यही फंडिंग का इशू इस कंपनी के साथ भी था, एवरवी EF1 इलेक्ट्रिक स्कूटर और एवरवी मोटर्स के साथ। इनके जितने भी फंडिंग से रिलेटेड जितने भी उनके टाई अप्स थे वो सब लोगों ने बैकआउट कर गए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो लॉकडाउन था उस टाइम ना रेवेन्यू कर सकते थे ना R&D कर सकते थे और नेसेसरीली पैसा लगता। तो ऐसे में ये जो गाड़ी है 1.5 साल पीछे हो चुकी थी। उसके बाद इस साल के स्टार्टिंग में इस गाड़ी का टेस्टिंग करना स्टार्ट किया गया, बट स्टिल जो इश्यूज थे वो आज भी ये फेस कर रहे रिगार्डिंग द फंडिंग। और ऐसी बहुत सारी स्टार्टअप कंपनियां हैं जो फंडिंग से इशू हो रही है। और ये गाड़ी वैसे तो मेड इन इंडिया गाड़ी है, इवन जो बैटरी है सुनने को मिल रहा है कि ये मेड इन इंडिया है, रिमूवेबल बैटरी यूज की गई है इस गाड़ी के R&D प्रोसेस में। और मैं आपको बता दूं कुछ इंटरेस्टिंग चीज जो कि इस गाड़ी को यूनिक बनाता। पहली चीज तो यहां पे इस गाड़ी में 5 किलोवाट की आपको मोटर देखने मिलती है, ये मिड ड्राइव मोटर है, बेल ड्राइव दिया गया है इसमें। साथ में यहां पे जो बैटरी है वो डुअल बैटरी है, टोटल अगर मिलाए तो 4.2 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी दैट इज रिमूवेबल। और जो बैटरी है जो बीच में जो आप मैक्सी स्कूटर में हम देखते हो ना वहां पे प्लेस किया गया और ये रिमूवेबल बैटरी है। कंपनी जब इसको इंट्रोड्यूस किया था उस टाइम बोला था कि 0-80% ये 1 आवर के अंदर चार्ज हो जाती है, जो कि बहुत मैसिव है सुनने को मिलता है। 0-60 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड इन 8.73 सेकंड्स। इसके अलावा इस गाड़ी की टॉप स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। कंपनी ने जब इस गाड़ी को 2020 में विदाउट ज्यादा R&D विदाउट ज्यादा टेस्टिंग 100 किलोमीटर की रेंज निकाला था और अब कंपनी का सुनने को मिला है कि ये 150 प्लस किलोमीटर का रेंज आराम से निकाल सकती है। बट मैं आपको बता दूं ये अभी भी टेस्टिंग पीरियड में है, ये अभी भी रोड पे आने में बहुत समय है, क्योंकि फंडिंग ऐसी चीज होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई अपना बैंक बैलेंस खत्म करके तो गाड़ी बना नहीं सकता, तो बाद में वो प्रमोट कैसे करेगा। तो अभी उसी पे काम चल रहा है कंपनी का। लेट्स सी कब तक ये गाड़ी देखने को मिलती है। इसमें आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक, रियर में डुअल सस्पेंशन, वो भी गैस चार्ज सस्पेंशन देखने को मिलता है, जो कि अगेन यूनिकनेस है। फ्रंट का टायर भी बहुत मैसिव है, रियर का टायर भी मैसिव है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में डिस्क ब्रेक, लुक वाइज भी बहुत अच्छी है। फ्रंट में राउंड हेडलाइट, रियर में राउंड टेल लाइट, मतलब R&D देख के लग रहा है कि हाँ ये इन हाउस है, बाहर से नहीं बनाई गई है। सो होप सो ये कंपनी जल्द से जल्द आए, बट अगर आती है तो प्राइस मेरी हिसाब से 1,40,000 होना चाहिए, लेकिन कब तक आती है ये बहुत बड़ा सवाल है। फंडिंग का इशू सबसे बड़ा है। इसके पहले भी एक मैंने वीडियो बनाया था एक बाइक के ऊपर, जो कि एक्चुअल में उन्होंने अपनी गाड़ी को शोकेस किया था 2020 के ऑटो एक्सपो में, बट वो आज भी स्ट्रगल कर रही है उस गाड़ी को इंडिया में लॉन्च करने के लिए। तो ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो कि फेस कर रही है सेम इशू जो ये कंपनी फेस कर रही है। होप सो ये गाड़ी अगर जल्द से जल्द आ जाए तो अच्छी बात है। इंडिया में थोड़ी कंपटीशन देखने मिलती है और स्टार्टअप कंपनियां आना बहुत जरूरी है। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है तो थोड़ा प्रमोट करना भी बहुत जरूरी है। इनकी तरफ से कोई मेरे को पैसे नहीं, कुछ नहीं मिला, जस्ट मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ कि ऐसी एक गाड़ी है जो कि बहुत समय पहले आ जाती, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन ये गाड़ी बहुत ज्यादा पोस्टपोन्ड होगी। दैट्स ऑल फॉर द डे। वीडियो अच्छा तो प्लीज लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, अच्छे से अप्रिशिएट कर देना। मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद।